press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends. So my name is Parvez Khan and we are going to have English class from AMS Academy. तो बच्चों ग्रामर के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है. सेंटेंस फॉर्मेशन सेंटेंस बनाने के लिए यूज होते हैं वर्ड्स. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड. अभी जो ग्रुप ऑफ वर्ड है तो पहले हम ये देख लें कि वर्ड क्या है और फिर उनके ग्रुप से हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे. वर्ड जिस तरीके से सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वैसे ही वर्ड है ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स. लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट वर्ड हो सकता है क्या? देखते हैं. हमने लिखा HWAT. क्या कहीं कोई मीनिंग निकलता है इसका? एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है HWAT या फिर TAWH. सेम अल्फाबेट ऊपर यूज किए, सेम अल्फाबेट हमने नीचे यूज किए, या फिर ATWH वही सेम अल्फाबेट हमने यहां यूज किए और एक हमने यूज किए WHAT यानी व्हाट. इसका मतलब निकलता है यानी हमारा वर्ड हुआ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट. सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स हैविंग प्रॉपर मीनिंग. जहां पर प्रॉपर मीनिंग होगा, डेफिनेट मीनिंग होगा, उसे हम कहेंगे वर्ड. यानी अगर डेफिनेट मीनिंग नहीं है, जैसे इसमें डेफिनेट मीनिंग नहीं है, इसमें डेफिनेट मीनिंग नहीं है, इसमें डेफिनेट मीनिंग नहीं है, तो जिनमें डेफिनेट मीनिंग नहीं है वो वर्ड नहीं है. ठीक है. तो अब ये जो वर्ड्स हैं यानी डेफिनेट मीनिंग वाले जो अल्फाबेट का अरेंजमेंट है वो वर्ड, उनके ग्रुप को हम कह रहे हैं सेंटेंस. तो फिलहाल सेंटेंस और देखते हैं कि वो क्या किसी भी तरीके से अरेंज्ड वर्ड्स जो हैं वो अल्फाबेट हमारे सेंटेंस हो सकते हैं क्या. I have book a या book a have I. क्या इन दोनों को हम सेंटेंस कह सकते हैं? I have book a या book a have I दोनों ही प्रॉपर कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तब तक सेंटेंस नहीं होंगे जब उसका जो है प्रॉपर एंड डेफिनेट मीनिंग ना हो. प्रॉपर और डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए, वो कब होगा? जब तो हमने देखा कि सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए प्रॉपर और डेफिनेट मीनिंग का होना जरूरी है और जो वर्ड्स हैं उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना जरूरी है.
दोनों काम होने चाहिए, वर्ड्स के साथ में प्रॉपर और डेफिनेट मीनिंग आना चाहिए और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के हिसाब से हमारे सेंटेंसेस किस किस तरह के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस की टाइप्स यानी किसके तरह के हमारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप हम इसमें मानते हैं वो हमारा होता है डिक्लेरेटिव, यानी किसी चीज का स्टेटमेंट या किसी चीज का डिक्लेरेशन। जैसे The weather is good today. आज मौसम बहुत अच्छा है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। अब जो ये डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है हमारा, इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो सिंटेक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है SVO, that means subject, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमारा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में दो मेजर पार्ट होते हैं, दो मेजर पार्ट होते हैं। एक को हम कह रहे होते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम कह रहे होते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों मिलकर के बनते हैं हमारा सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई और हुम। जो इनके आंसर दे रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसके बारे में बात हो रही है? बुक के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट, यानी बुक जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा हम देखें, अ ब्लैक शाइनिंग लॉन्ग कार इज पार्क आउटसाइड द हाउस। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, यहां बात हो रही है किसकी? कार की। अ ब्लैक शाइनिंग लॉन्ग कार, कार है कैसी है? लॉन्ग है। कार है कैसी है? शाइनिंग है। कार है कैसी है? ब्लैक है। तो जो तीन वर्ड इन्होंने यूज किए हैं, ब्लैक, शाइनिंग और लॉन्ग, यानी एडजेक्टिव, ये सारे के सारे इस कार की स्पेशलिटी बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर के हमारे हो गए हमारे सब्जेक्ट फ्रेज। इस सब्जेक्ट फ्रेज के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट वर्ड है वो कार है। ये कार हमारा सब्जेक्ट वर्ड है और ये सारे सारे मिलकर के सब्जेक्ट फ्रेज हो गए। तो इसे ये हमारा, इसको कंप्लीट को हम कहते हैं सब्जेक्ट।
प्लस ये हमारा इज हमारा हो गया वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हमारा एसवीओ कंप्लीट होता है यार। तो पहली हमारी टाइप हो गई डिक्लेरेटिव, ठीक है। डिक्लेरेटिव के बाद सेकंड हमारी टाइप आती है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दैट मींस क्वेश्चन। इंटरोगेशन जो वर्ड है उसका सिंपल मीनिंग होता है क्वेश्चन या सवाल पूछना, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन हो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है जिसकी हमने पिछले वाले एग्जांपल में जैसे देखा था, वो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। हैज ही कंप्लीटेड द होमवर्क, ये हमारा जो हैज है हेल्पिंग वर्ब है, ये हम बाहर ले आए, ये सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और उसके बाद आपके जो है सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। अगला जो है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जहां पर हमने कुछ सजेस्ट करना है, जहां हमें कुछ कमांड देना है, जहां हमें कुछ ऑर्डर्स देने हैं, जहां हमें कुछ एडवाइस देनी है, वहां पर हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे प्लीज ओपन द डोर, हाँ इसमें एक चीज रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज जहां भी लगा है रिक्वेस्ट, प्लीज ओपन द डोर, ये आ गया हमारा रिक्वेस्ट के लिए। अगर इसकी जगह सीधा लिखा होता ओपन द डोर तो ये कमांड होती, ठीक है। थर्ड टाइप के बाद अब हम आते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप हमारी सेंटेंस की यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी जहां पर हमें कुछ एक्सक्लेम करना हो, जहां हमें हमारी सडन फीलिंग्स बतानी हो। फीलिंग्स यानी जैसे जॉय खुशी हुई उसकी फीलिंग बतानी है, सैडनेस या हम कहें सोरो, ये सब बताना है, तो वहां पर हम जो है ये
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे अलास। इसमें ये है कि जो भी आपका एक एक्सक्लेमेशन का वर्ड आएगा उसके साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, बाकी बाद में लगाएंगे। वी लॉस्ट द मैच, अलास वी लॉस्ट, या हुर्रा वी वन। ठीक है, यहां देखो दोनों के अंदर आपको जो है अलग अलग एक्सक्लेमेशंस देखने को मिलते हैं। इसमें एक और आएगा हमारा सरप्राइज, जैसे हम कहें वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग इट इज। ठीक है, और अगर हम यहां पर ये वाओ नहीं लगाते, वाओ का यूज ना करें, तो आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो यहां लास्ट में लग जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम हमारी ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव जो है इनका यूज वहां किया जाता है जहां हम किसी से कोई दुआ करते हैं, ठीक है, या फिर क्यों कहें कि हम ऊपर वाले से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू फाइंड द डे ब्यूटीफुल। यहां पर मे का यूज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे टोटल जो है 5 types ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और बेटर वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।